बिसमरिम असलकुम डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई होप यू आल आर फाइन एंड हैप्पी ओके डियर स्टूडेंट्स टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक प्लस रफ वर्क रफ़ कॉपीज़ ओके पेज नंबर इज़ थ्री ठीक है आप सब पेज नंबर थ्री ओपन कर लें आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा हमने कल पढ़ा था नंबर्स ठीक है और हमने प्लेस वैल्यूज प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था कि प्लेस वैल्यू चार्ट हम कैसे यूज़ करते हैं ठीक है आपको मैं अगेन बता देती हूँ देखें कि हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है द फर्स्ट हमारे पास यूनिट कौन सा होता है वंस देन थाउजेंड देन मिलियंस ठीक है अगेन इसमें फर्दर इसमें आगे यूनिट्स होते हैं वंस में क्या होता है हमारे पास फर्स्ट यूनिट इज यूनिट देन द नेक्स्ट वन इज़ कॉल टेन देन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन देन हंड्रेड मिलियन क्लियर आप सब ने इन यूनिट्स को अच्छे से याद कर लेना है ठीक है ओके okay. आपको पता है कि जैसे जैसे हमारे पास डिजिट्स इंक्रीज होते जाते हैं उनकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती जाती हैं क्लियर ओके जी ठीक है फिर हमने पढ़ा था कि इन नंबर्स को कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में फिट करते हैं ठीक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज हम करेंगे इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म ठीक है कि इन नंबर्स जो हैं हमारे पास नंबर्स जब हमारे पास गिवन हो तो इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ठीक है ओके डियर स्टूडेंट डू यू नो व्हाट इज बाय एक्सपेंडेड फॉर्म हम्म एक्सपेंडेड फॉर्म मीन ओपन करके लिखना किसी भी नंबर्स को उनकी वैल्यूज़ के साथ राइट करना ठीक है लुक एट दिस आपको मैं बताती हूँ इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे राइट करते हैं एट दिस इफ वी हैव द नंबर ओके डियर स्टूडेंट लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म आप इस तरह अच्छे से समझ सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को मैंने आपको बताया कि इनकी वैल्यूज़ को हम ओपन करके राइट करते हैं लुक एट दिस इफ़ वी हैव टू डिजिट ठीक है एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर टू डिजिट नंबर्स इफ़ वी हैव टू डिजिट लाइक ट्वेंटी नाइन सो इनकी वैल्यूज को हम कैसे राइट करेंगे ट्वेंटी नाइन मीन ट्वेंटी प्लस नाइन ट्वेंटी नाइन मीन ट्वेंटी प्लस नाइन एट दिस इनके नंबर्स को न, इनके नेम से ही हमें पता चल जाता है कि ट्वेंटी टू जीरो ट्वेंटी देन नाइन क्लियर या फिर आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी हैव फर्स्ट नंबर टू एंड टू के बाद कितने जीरोस हैं कितने नंबर्स हैं हमारे पास वी हैव वन डिजिट सो वी राइट हेयर वन जीरो ओके नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर डिजिट विच इज़ टू सॉरी नाइन नाइन के बाद हमारे पास कोई डिजिट है नो दैट्स वाई वी राइट ओनली नाइन नाइन के बाद हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे क्लियर नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर थ्री डिजिट नंबर्स ठीक है थ्री डिजिट नंबर्स की आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है सिक्स सेवन नाइन सिक्स सेवन नाइन ठीक है आपने इसको कैसे राइट करना है लुकेट दिस इसको आप रीड करें इनके नेम को रीड करें सिक्स हंड्रेड सेवेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड सेवेंटी नाइन आप इसको कैसे बोलेंगे सिक्स हंड्रेड सेवेंटी नाइन आप इनको ऐसे भी राइट कर सकते हैं सिक्स हंड्रेड इन सिक्स हंड्रेड वी हैव हाउ मैनी ज़ीरोज़ वी हैव टू इन हंड्रेड वी हैव टू ज़ीरोज़ ना सो देट्स वाई वी राइट हेयर टू जीरो सिक्स हंड्रेड ठीक है या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लुकेट दिस सिक्स ठीक है सिक्स एंड सिक्स के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास टू वन टू वी हैव टू डिजिट्स सो वी राइट हेयर टू जीरो क्लियर देन प्लस ठीक है उसके बाद क्या है द नेक्स्ट डिजिट इज सेवन वी राइट हेयर सेवन सेवन के बाद कितने नंबर हैं कितने डिजिट्स हैं हमारे पास ओनली वन सो वी राइट ओनली वन ज़ीरो क्लियर ओके नाउ लुक एट दिस द नेक्स्ट डिजिट नाइन वी राइट हेयर नाइन नाइन के साथ आपको कोई नंबर नज़र आ रहा है नो सो वी राइट हेयर नाइन ओनली ठीक है इसी तरह आप थर्ड डिजिट थर्ड देखें एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर फोर डिजिट नंबर्स ठीक है आपने क्या करना है लुक एट दिस एट नाइन थ्री टू एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी टू सो लुक एट दिस वी राइट हेयर एट एट के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास वन टू थ्री थ्री डिजिट्स हैं हम थ्री ज़ीरोज़ लगाएंगे नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर नाइन नाइन के बाद आपके पास टू जीरो